नमस्कार, विव दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के प्रमुख समाचार। आतंकवादी हमले के बाद पाक सरकार ने हटाई मृत्युदंड से रोक। पेशावर में आर्मी स्कूल पर हुए बर्बर आतंकी हमले से नाराज पाकिस्तान सरकार ने देश में मौत की सजा पर लगी रोक हटा ली है। सरकारी प्रवक्ता मोहिउद्दीन वानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने मौत की सजा से रोक हटाने संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति के फैसले को मंजूरी दे दी है। इस हमले में 132 स्कूली बच्चों समेत 141 लोग मारे गए हैं, जबकि 245 अन्य घायल हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नवाज शरीफ से बात कर हमले पर संवेदना प्रकट की है। मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपने इस पड़ोसी देश के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आईएसआईएस की मदद कर रही है भाजपा, शंकर सिंह वाघेला ने कहा। कांग्रेस के नेता शंकर सिंह वाघेला ने आरोप लगाया कि भाजपा गुजरात में आतंकी संगठन आईएसआईएस का नेटवर्क फैलाने में मदद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए कभी भी इस तरह के असामाजिक तत्वों की मदद लेने में हिचक नहीं की। भगवा पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। विश्व कप संभावितों में शामिल मनोज तिवारी को लगी बाउंसर। विश्व कप के लिए भारत के 30 संभावित खिलाड़ियों में शामिल बंगाल के बल्लेबाज मनोज तिवारी बुधवार को ईडन गार्डन पर कर्नाटक के खिलाफ रणजी क्रिकेट मैच के आखिरी दिन अभिमन्यु मिथुन की बाउंसर से बाल बाल बच गए। गेंद लगने से उनके हेलमेट में दरार आ गई, उन्हें नया हेलमेट पहनना पड़ा। इससे कर्नाटक के खिलाड़ी भी सकते में आ गए। सभी खिलाड़ी दौड़कर तिवारी के पास गए, साथ ही बंगाल के फिजियो भी मैदान पर आ गए। इस घटना के बाद तिवारी अधिक समय तक क्रीज पर टिक नहीं सके और विनय कुमार की गेंद पर आउट हो गए। सचिन तेंदुलकर को पसंद आई पीके। भारत रत्न क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने आमिर खान की फिल्म पीके को अब तक की सबसे बढ़िया फिल्म बताया है। फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने आमिर से वादा किया है, इसलिए फिल्म की स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। सचिन ने कहा कि फिल्म बिल्कुल अलग है, इसलिए सभी लोग इसे देखने जरूर जाएं।